लोकसभा चुनाव को लेकर परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बता दें कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करना परिवहन विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको लेकर संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि चुनाव को देखते हुए परिवहन विभाग देहरादून के द्वारा पोलिंग पार्टी को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए करीब 1300 से ज्यादा वाहनों की डिमांड की गई है। हालांकि हमारे द्वारा करीब 1600 वाहनों को अधिग्रहण कर लिया गया, साथ ही 20% वाहनों को रिजर्व में रखा गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अन्य वाहनों उपलब्ध कराई जा सके। जो आरटीओ ऑफिस देहरादून है वो एक नोडल एजेंसी है जो चारों जिलों में चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं, साथ में देहरादून जिले के अंदर भी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अगर सिर्फ देहरादून जिले का लिया जाए तो देहरादून जिले में अब तक जो डिमांड प्राप्त हुई है 1398 वाहन की डिमांड प्राप्त हुई है, जिसके अंदर एनसीसी में लगे सारे अधिकारियों के लिए वाहन, पोलिंग पार्टी के लिए वाहन, पुलिस के लिए वाहन और जो अन्य राज्यों से हमें पैरामिलिट्री फोर्सेज आएंगे उनके लिए वाहन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसको दृष्टिगत हमारे द्वारा 1674 वाहन को अधिग्रहण कर दिया गया है, जिसमें 20% रिजर्व रखे गए हैं 276 वाहन। और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो अप्रत्याशित डिमांड आ जाती है, चाहे वो पुलिस से आए या फिर निर्वाचन से आए, उसको भी तुरंत प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि GPS से लगे हुए कंटेनर हो या एक स्पेसिफिक तरह के वाहन हैं जो कि आवश्यकता पड़ती है, उनको भी हमारी इन्फोर्समेंट टीमें अधिग्रहण कर रही हैं और प्रोवाइड करा दी जा रही है। किसी भी जिले में, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, किसी भी प्रकार के वाहन की कोई कमी नहीं होगी। इलेक्शन में हर प्रकार का वाहन जिसकी की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा और उसकी समीक्षा कर ली गई है।